और आज जो साइकिल रात में राइड करनी पड़ रही है मेरे को। श्री राम, तो अभी देख सकते हैं हमें तीन राम भक्त और मिल चुके हैं जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। प्यास लगी बहुत तेज, पानी पीना है। क्या नाम है आपका, कहाँ आप जा रहे हैं? मेरा नाम अर्जुन गंगवार है और मेरे पिताजी का नाम कैलाश गंगवार है। भैया मेरे को चाय दे रहे हैं, अभी देख सकते हैं अभी मेरा नाश्ता होगा यहाँ से, तो मैं चाय और बिस्किट देख सकते हैं। जय श्री राम। तो मेरा नाम है अर्जुन और मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड से अयोध्या साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। देख सकते हैं पीछे मेरी साइकिल है और यहाँ पे मैं साईं बाबा में रुका था, रात को स्टे किया था, काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई लोगों के साथ मिलके, पूरा अपनापन जैसा महसूस हुआ। तो यहाँ से भी मैं निकलने वाला हूँ तो भाई लोग मेरे साथ ही, देख सकते हैं। और अभी चाय नाश्ता वगैरह भी हुआ और बाकी मेरा रात का खाना वगैरह सारा कुछ यहीं पे हुआ था। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो आज मैं जो है सीतापुर स्टे करने वाला हूँ, तो यहाँ से 70 किलोमीटर मेरे को साइकिल चलानी पड़ेगी, तो बस एंड तक देखते रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं जो है आगे आ चुका था, वो साईं ढाबा पे मैं रुका था रात को। तो अभी जो है ना मेरा एक सामान वहाँ पे रह गया है, तो भैया की कॉल आई थी, मेरे को तो याद भी नहीं था, तो भैया की कॉल आई है तो भैया मेरे को देने के लिए आ रहे हैं और मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। जय श्री राम। तो मैं ना कुछ सामान भूल गया था, तो भैया मेरे को देने के लिए आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं भी जा रहा था तो रास्ते में रुका हूँ और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चों के देख सकते हैं, तो काफी अच्छा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रास्ते में, थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था और ब्लॉग जो है अपलोड हो चुका है, जाके आप लोग देख लीजिए। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी तो अभी मैं वहाँ से बाहर आ गया, तब जाके ब्लॉग अपलोड किया मैंने। जय श्री राम। तो मैं यहाँ पे रुका था तो मेरे को कुछ रील बनानी थी, तो भाई लोगों ने मेरे को हेल्प की रील बनाने में, इनको मैंने फोन पकड़ा दिया और इन्होंने मेरी रील बना के दी है। तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे देख लेना, रील आपको देखने को मिल जाएगी। मेरे को अभी ना थोड़ी पेट में भूख जैसी लग रही थी, सुबह नाश्ता भी थोड़ा सा किया था, तो अभी मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक चुका हूँ, यहाँ पे चाय पीऊंगा। और यहाँ पे एक भैया मिले, देख सकते हैं ये काफी अच्छा भैया है। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। तो अभी मैं जो है चल रहा हूँ, चाय पी के मैं निकल चुका हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो भैया मिले थे, मैं पैसे दे रहा था बट उन्होंने पैसे मेरे को दे नहीं दिए, और चाय वाले भैया भी मना कर रहे थे लेकिन वो दूसरे भैया थे, उन्होंने फिर भी उनको दे दिए और मैंने दिए तो मेरे से नहीं लिए। जय श्री राम। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राम भक्तों का प्यार कितना ज्यादा मिल रहा है, देख सकते हैं सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। जय श्री राम। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को। तो यहाँ पे भैया के साथ कचौड़ी खाते हुए देख सकते हैं इधर भैया, और इधर मैं कचौड़ी खा रहा हूँ, मजा आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी राम भक्त आ चुके हैं, तो इधर ये भैया लोग हैं, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा लोग राम भक्त आ रहे हैं, सारे लोग, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका, कहाँ आप जा रहे हैं? मेरा नाम अर्जुन गंगवार है और मेरे पिताजी का नाम कैलाश गंगवार है और मैं जिला रामपुर तहसील जिला से आने वाला हूँ। तो मैं अयोध्या के लिए निकला हूँ अपने गाँव से, और मंदिर से पूजा वूजा करके निकला हूँ, और मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट किया आने के लिए, और मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ मेरे को अयोध्या जाने की सेवा करने के लिए। तो मैं अभी बहादुर गंज में पहुँच रहा हूँ, आज मेरा 14 दिन है, तो यहाँ से भी मैं दर्शन करने वाला हूँ, अयोध्या के लिए जाऊँगा। बाकी देखते हैं जहाँ पर रात हो जाएगी वहीं पर उनको रहना पड़ेगा। यात्रा कैसे आपने सोचा कि मतलब जो है हमको अयोध्या पहले जाना है और क्यों सेवा भाव जाएगा? पहले इसलिए जाना है क्योंकि 5 तारीख को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है और सेवा करने का मन था, तो इसलिए पहले जाने का सोचा, पहले जाएंगे तो सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा। अभी कोई ऐसे ना जाए जिसके पास निमंत्रण है, वही जाए, लेकिन इनकी एंट्री नहीं होगी और जाके भी कोई फायदा नहीं है, तो बाकी जिसको जाना है वो सेवा के मतलब से जा सकते हैं वहाँ पे। जय श्री राम सभी को। तो मैं अर्जुन गंगवार जा रहा हूँ उत्तराखंड से अयोध्या साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, देख सकते हैं। तो अभी ना मेरे के जो है एक मतलब न्यूज़ वाले भैया मिले थे, तो उन्होंने मेरे मतलब शूट किया है जो कि न्यूज़ पे आने वाला है, तो मैं को काफ़ी अच्छा लगा, भैया रुके और उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह लिया सारा कुछ, और बहुत कुछ पूछा राम मंदिर के बारे में और यात्रा के बारे में। तो बस आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि मेरी यात्रा कैसी चल लग रही है आपको। जय श्री राम। तो मैं जा रहा था तो मेरे को दो राम भक्त मिल चुके हैं, देख सकते हैं सामने। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई भी राम भक्त मिलते हैं मेरे को रोकते, तो भाई लोगों को कुछ फोटो शूट करने तो करने देते हैं और बाकी अपनी यात्रा तो चल ही रही है। श्री राम। तो अभी देख सकते हैं हमें तीन राम भक्त और मिल चुके हैं जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। तो अभी जो है पैदल यात्रा करने वाले मेरे को तीन राम भक्त मिले थे जो कि पैदल चल रहे हैं, तो काफी ज्यादा दूर से हैं वो जो पैदल वाले हैं, वो तो काफी ज्यादा दूर से, मैं तो फिर भी कम दूर से हूँ, तो बहुत अच्छा लगा भाई लोगों से मिलके। और वो पीछे पैदल पैदल आ रहे हैं, मैं आगे निकल चुका हूँ, तो देखते हैं कहाँ पे स्टे होता है और वो लोग तो मेरे से पहले रुक जाएंगे, बाकी मेरे को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो मैं निकल चुका हूँ। बाकी जय श्री राम जरूर लिख देना कमेंट में और चलते हैं अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, साइकिल यात्रा है काफ़ी ज़्यादा मस्त है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं देख सकते हैं साइकिल राइड कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अपना गर्मी जैसी लग रही है, सूरज देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा निकल चुका है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुकूँगा, प्यास लगी बहुत तेज, पानी पीना है।
तो पानी मेरे साथ है, अभी नीचे ओवरब्रिज से उतर रहा हूँ, उतर के रुक के फिर पानी पीते हैं और चलते हैं आगे। जय श्री राम। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को क्या मिला है, देख सकते हैं खतरनाक है, हनुमान जी के रूप है बिल्कुल। सामने देखो सामने। राम राम सभी भाइयों को। तो मेरे को ना बहुत टाइम हो चुका है, मैं चल रहा हूँ और अभी जो है टाइम मैं आपको बता दूँ, टाइम लगा 4:17 हो रहे मेरे फ़ोन में। और अभी मेरे पास जो सीतापुर जाना था मेरे को, तो सीतापुर अभी 20 किलोमीटर रह गया, तो सीतापुर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है वहाँ पे। आज स्टे करने की जगह भी देखनी पड़ेगी मेरे को। बाकी अभी मैं एक ओवरब्रिज पे चढ़ रहा था तो मेरे ना थोड़े एनर्जी जो है वो रही नहीं है बिल्कुल भी, हिम्मत नहीं कर रही बिल्कुल साइकिल चलाने की, लेकिन फिर भी थोड़ी देर और चलानी है, 20 किलोमीटर और जाना है मेरे को। 4 बज चुके हैं, देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैं भी यहाँ पर रुका था ना, तो प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने के लिए रुका था, तो पानी पी लिया, अभी यहाँ पर निकलेंगे। तो अभी मेरे को लगभग 15 किलोमीटर और जाना है, तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारा कुछ। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं भी जा रहा था तो मेरे को कुछ भाई लोग मिले, देख सकते हैं। जय श्री राम। तो ये लोग मिले देख सकते हैं और ये मेरे साथ साथ जाएंगे काफ़ी दूर तक, जहाँ तक लोग जाएंगे वहाँ से सीतापुर जाना है मेरे को, तो वो 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो भाई लोग आ रहे, इनके साथ साथ जाता हूँ, अकेले अकेले जा रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, तो अभी भाई लोग साथ में चलेंगे और मैं चलता हूँ। जय श्री राम। तो यहाँ पे ना मैप चल रहा फ़ोन में और मेरे को ना अभी ये मैप में लोकेशन डाल रखी है मैंने, तो मैं सीतापुर जाना है। तो रात हो चुकी है और आज जो साइकिल रात में राइड करनी पड़ रही है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है गाड़ी वालों से, ऐसे चला रहे हैं गाड़ी के एकदम पास से निकाल के ले रहे हैं, रात में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और मैं चला रहा हूँ और देखते हैं कितने दिन में पहुँचते हैं। अभी मैं पहुँचूँगा जहाँ पे मेरे को स्टे करना है, वहाँ पे जाएंगे। तो अभी चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है, रात में राइड करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस। तो जय श्री राम जरूर लिखना कमेंट में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कुछ ड्राइवर भाइयों को ज़रूर शेयर कर देना जो ये गाड़ी उल्टी सीधी चला रहे हैं। जय श्री राम। आज जो ना पूरे 7 बजने वाले हैं और अभी तक मैं जो है मतलब स्टे करने की जगह नहीं ढूंढ पाया हूँ, तो अभी चल ही रहा हूँ बस रात में, देखते हैं जहाँ जगह मिलती है आपको दिखाते हैं। और बाकी व्लॉग को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। जय श्री राम। आज का खाना कुछ इस प्रकार से। जय श्री राम। तो अभी मैं सीतापुर पहुंच चुका हूं, तो यहां पे मेरे चाचा रहते हैं, तो चाचा के घर पे आया हूं मैं यहां पे। तो यहां पे चाचा ने देख सकते हैं एक रूम दे रखा है मेरे को और यहां पे मैं सो रहा था और अभी मैंने ब्लॉग एडिट किया है, तो मैंने खाना भी खा लिया है यहां पे, सब कुछ एकदम मस्त तरीके से हो चुका है और अभी मैं जो सोने जा रहा था। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।